हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर। कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का गोधूली चैप्टर नंबर 10 निबंध, जिसका लेखक है जगदीश नारायण चौबे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पे एक्सप्लानेशन देखेंगे, तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा वो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। उसको आप अच्छे से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएगा आप उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। और भी चैप्टर का लिंक आपको आई बटन पे दिया हुआ रहेगा, आप लोग चैनल पे जा करके देख सकते हो, वहाँ भी आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। साथ में इस वीडियो का PDF भी आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मिलेगा, तो आप सभी चैनल के डिस्क्रिप्शन में चेक करना ना भूले, वहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1x1 करके जरूर मिल जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लें, तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे सबसे पहले जगदीश नारायण चौबे जी के बारे में। तो यहाँ से जगदीश नारायण चौबे जी के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे हमने बात करा कि जगदीश नारायण चौबे जी का जन्म कब हुआ, तो इस तरीके से ऑप्शन ए में करके दे देगा, ऑप्शन ए में दे दिया 1339, ठीक है ना। बी में दे दिया यहाँ पे 1929, ठीक है। सी में दे दिया यहाँ से 1839, और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होने चाहिए कि जो जगदीश नारायण चौबे जी का जन्म हुआ वो 1939 में हुआ, तो इस तरीके से आप ऑप्शन बी यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको ये सभी चीज याद नहीं है या आपने ये चीज नहीं पढ़ा है और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो वहां पे बहुत सारे मुश्किल आपके पास होंगी और आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए हमने ये सीरीज आपके लिए ही रखा है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको देख लेते हैं और इसे समझ लेते हैं, जगदीश नारायण चौबे जी के बारे में और इनके इस चैप्टर में इनके द्वारा जो बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से देखेंगे। तो आप लोग पॉइंट को ध्यान से देखते हुए और समझते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर में नोट करना है कि जगदीश नारायण चौबे जी का जन्म 1939 ईस्वी में मोर पटना में हुआ, सबसे फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है ना। फिर आगे इसमें कहता है कि इनके पिताजी का जो नाम था वो पंडित अरिमर्दन, देखिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, अरिमर्दन चौबे, एवं माता जी का जो इनका नाम था वो देवपति देवी था। तो इनको दो नंबर में आप लोग ऐसे नोट करके लिखेंगे कि जगदीश नारायण चौबे जी के पिता का नाम अरिमर्दन चौबे एवं माता का नाम देवपति देवी था, ये नंबर टू में आपको नोट करने हैं। फिर कहता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा गांव और पटना दोनों में हुई, पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में MA और डिलीट किया, ध्यान रखेंगे डिलीट का मतलब ये नहीं कि हटा देना, ठीक है ना। डिलीट एक कोर्स होता है जो इन्होंने किया था MA के बाद, और पटना विश्वविद्यालय में ये अध्यापक रहे। तो ये सारी चीज आपको नोट नहीं करने हैं। 1951 में इनकी पहली कविता राष्ट्रवाणी प्रकाशित हुई, ये आपको थर्ड पॉइंट में नोट करना है कि 1951 में इनकी पहली कविता राष्ट्रवाणी में प्रकाशित हुई। 1953 में इनका पहला कविता संग्रह एकांकी प्रकाशित हुआ, ये आपको फोर नंबर में नोट करने हैं कि 1953 ईस्वी में इनका जो पहला कविता संग्रह था उसका नाम था एकाकी, और ये 1953 में ये चीज प्रकाशित हुआ। आगे के पॉइंट में बढ़े तो कहता है कि इनकी भूमिका शिव पूजन सहाय ने लिखी, इसकी भूमिका कहने का मतलब जो इनकी पहली कहानी रही, पहली कविता संग्रह जो रही एकांकी, इसकी भूमिका कौन लिखे थे, शिव पूजन सहाय जी ने। इनकी दूसरी कविता पुस्तक गीतकार की भूमिका राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी, तो इनको ये भी देखो यहाँ पे आपको ये फोर नंबर में नोट करना है कि इनकी जो दूसरी कविता का नाम था वो गीतकार था, ध्यान रखिए कौन था, गीतकार, और गीतकार का भूमिका लिखने वाले व्यक्ति को भूमिका लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। और एक संभवशाली कवि के रूप में पहचाना यानी इनको एक संभवशाली
कवि संभावनाशाली कवि के नाम में इन्हें जाना जाता है। तो ये आपको 5 पॉइंट में आपको नोट करना है कि इन्हें संभावशाली कवि के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़े तो कहता है कि 1962 में इन्हें बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का उदीयमान साहित्य पुरस्कार और परिषद से ही 2004 में साहित्यकार सम्मान प्राप्त हुआ। ये आपको 6 पॉइंट में नोट करने हैं, 6 पॉइंट में नोट करने हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले पॉइंट में। कहता है कि 1983 ईस्वी में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो इनके शोध का विषय भी था। ये आपको 7 नंबर में नोट करने हैं। कैसे नोट करेंगे आप कि 1983 ईस्वी में उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक, उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक, ठीक है ना, जगदीश नारायण चौबे जी के द्वारा प्रकाशित हुआ, जो इनके शोध का विषय था। ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको नोट करने हैं। इनके 2 व्यंग संग्रह भी प्रकाशित हुए, जिनका नाम था तारीफ के फूल और देखो जग बरौना। तो आप इसको कैसे नोट करेंगे, ये आपको 8 नंबर पॉइंट में नोट करना है। कैसे 8 नंबर में नोट करोगे कि जगदीश नारायण, ठीक है ना, जगदीश नारायण चौबे जी के 2 व्यंग तारीफ के फूल और देखो जग बरौना है। ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आप नोट करेंगे। इन्होंने बच्चों के लिए अनेक कविताएं और कहानियां लिखी। दादी का कंबल, पिंड छूट गया, पीपल वाला भूत, दादाजी, गिरोह वाले बाबा आदि बाल कथाएं हैं। तो आप यहां से इसको नोट डायरेक्टली करेंगे, दादी का कंबल, पिंड छूट गया, पीपल वाला भूत, दादाजी, गिरोह वाला बाबा, ये बाल कथाएं हैं। तो किन की हैं, तो ये आपके जगदीश नारायण चौबे जी के हैं। आगे बढ़े तो इन्होंने इंद्रधनुष कैसे बनता है, अच्छे बच्चे, फिर उसके बाद हंसते गाते गिनती सीखो आदि इन्होंने कविताएं भी लिखी, जो छोटे छोटे बच्चों पर आधारित था। ध्यान रखेंगे, ऊपर वाले जो दादी का कंबल, पिंड छूट गया, ये सभी आपकी कथा है, क्या है, कथा, लेकिन ये आपकी कविताएं, इंद्रधनुष कैसे बनता है, अच्छे बच्चे, हंसते गाते गिनती सीखो, ये सभी क्या है, तो ये कविताएं हैं। पटना विश्वविद्यालय का गान तट गंगा, गंगा तट पर ज्ञान हिमालय, इनके द्वारा ही रचा गया। ये सभी चीज आपको नहीं रटने हैं, जो रटने हैं वो आपको हमने बता दिया। आगे की स्लाइड्स में बढ़े तो कहता है हिंदी जगत में जगदीश नारायण चौबे की पहचान एक सधे हुए गद्यकार की है, ये आपको नोट करना है, ठीक है ना, ये वाले पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसी में देखिए क्या कहा है, इसी में कि प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने इनके गद्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रस्तुत पाठ में भी उनके काटदार गद्य के नमूने भरे पड़े हैं। यह संकलित पाठ एक सारग्राही अनुभव समृद्ध शिक्षक साहित्यकार की सुउद्देश्य रचना है। ये वाले चीज आपको नोट करने, क्योंकि ये पूरे कहानी का निचोड़ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाले पूरे पॉइंट को आपको नोट करने हैं, जिसमें लालित्य और प्रयोजन दोनों के ही गुण पर्याप्त हैं। यह पाठ छात्रों में निबंध लिखने का हुनर तो विकसित करेगा ही, साथ ही उनकी रचनात्मकता के विकास में भी सहायक होगा। तो इन्होंने जो इस पुस्तक में जो चैप्टर लिखा है उसका नाम है निबंध। इन्होंने क्या लिखा है, निबंध, और निबंध हम लोग पढ़ते भी हैं, निबंध लिखते भी हैं, और निबंध लिखने की जो शैली होती है उसको लेकर के ये जगदीश नारायण चौबे जी ने अच्छे से लिखा है। तो अब हम इसके जो चैप्टर है जगदीश नारायण चौबे जी का जो निबंध, उसको हम लोग अच्छे से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा हम झलकी यहाँ पे दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है निबंध में कि निबंध लेखन अथवा निबंध लेखन के लिए पाठ तैयार करने की दिशा में कई बातें विचारणीय है। लेखक
निबंध लेखन का सही ज्ञान नहीं होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में संभावित प्रश्नों के लिए शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में भटकते रहते हैं। देखो, हम लोग जैसे ही अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर बैठे होते हैं तो निबंध लिखने की जो बात आती है तो हम लोग उस समय सोचते हैं कि कोई ऐसे शिक्षक मिल जाए, कोई ऐसे टीचर मिल जाए जो हमें निबंध लिखना और साथ में उसको समझना, उसकी पृष्ठभूमि को समझना हमें अच्छे से सिखा दे। और इस तरीके से हम लोग तलाश करते रहते हैं अच्छे शिक्षकों का, जो इस चैप्टर में जगदीश नारायण चौबे जी समझाते हैं। ऐसा आत्मविश्वास की कमी के कारण तथा निबंध संबंधी प्रचारित धारणाओं की वजह से होता है। पाठ लेखक को स्पष्ट बता देना चाहिए कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं सभी निबंध का विषय बन सकती है। यानी लेखक कहते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हो या जो आप समझा रहे हो उसमें आप अपने स्टूडेंट को ये समझा दो कि दुनिया में जितने सारी वस्तुएं हैं, चाहे वो कलम से लेकर यानी सुई के नोक से लेकर पहाड़ तक की जो भी वस्तुएं हैं उन सब पर निबंध लिखा जा सकता है। तो इसके रोचक कहानी और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो बस यहीं तक रखते हैं, हम अगले वीडियो में बहुत जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले कंटेंट और अगले वीडियोज के साथ।